guys, welcome to my channel. In today's video, I would share with you my winter morning routine. जहां दो बच्चों का घर होता है, that's already a crazy house. और ऐसे में I am able to not only complete all my chores on time, but I also have some cuddle time with them, quality time with them. And among all this craziness, I am able to complete all my chores on time and also take out time for myself ताकि मैं बाहर 8:30 बजे तक walk पे जा पाऊँ और उनको भी बाहर खेलने के लिए लेके जा सकूँ. So in today's video, I would be sharing with you my morning routine starting from 4:30 a.m. in the morning till my lunch time. So I hope आज की जो morning routine है वो आपके लिए बहुत सारी inspirations लेके आए, motivational बन पाए. So stay tuned and keep watching and enjoy it. As soon as I wake up, तो मैं थोड़ा टाइम सोशल मीडिया पे गुजारती हूँ. पता नहीं, मेरा हाथ ऐसे ही चला जाता है सोशल मीडिया पे और चेक करने होते हैं मुझे सारे मैसेजेस वगैरह. सो इस चक्कर में 15-20 मिनट हो जाते हैं और फिर मैं उठती हूँ. आई काइंड ऑफ यू नो टेक इट ऑन अ चिल वे. मुझे सुबह सुबह से ही घाई घाई नहीं करना है. पहले मैं ऐसा बहुत करती थी, अब मैंने रिलैक्स मोड पे रखा है अपना मॉर्निंग्स. सो सबसे पहले जैसे ही मैं उठती हूँ उसके बाद 15-20 मिनट के बाद मैं जाती हूँ फ्रेशन अप होने के लिए. तो यहाँ पे भी मेरा और 10-15 मिनट चला जाता है. मैं फ्रेशन अप होती हूँ और फिर ब्रश कर लेती हूँ और फिर ब्रश करने के बाद मैं अपना फेस वॉश करती हूँ क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ बाथ नाउ. मुझे बाद में एक्सरसाइजेस करने हैं. सो इसीलिए सिर्फ मैं अपने आप को फेस वॉश करके थोड़ा फ्रेशन अप कर लेती हूँ. तो आजकल एज आई सेड कि मैं अपनी मॉर्निंग्स को थोड़ा चिल रखती हूँ और ज़्यादा आवाज़ नहीं करना होता है मुझे, तो मैं इस आजकल एडिटिंग नहीं करती हूँ. और जो टाइम मुझे पहले मिलता है सुबह में, जो मैं पहले एडिटिंग के लिए देती थी क्योंकि तब मुझे हीट और दिया पूरे दिन नहीं करने देते थे तो सुबह करनी पड़ती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है, दे काइंड ऑफ एडजस्ट हो गए. उनको पता चल गया कि अब मेरा काम जो है वो मैं कर सकती हूँ. सो सुबह मेरी थोड़ी पीसफुल होती है. सो नाउ आई हैव डिवोटेड दिस टाइम फॉर रीडिंग भगवद गीता. सो ऑब्वियसली अब इस पे मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज यू नो मैं अगर बोलूँगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ. सो यस, ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है रीड करना. तो पूरे दिन बाद में इतने कॉन्सेंट्रेशन से रीड करने नहीं मिलता है. सो आई रीड अराउंड 20 पेजेस इन द मॉर्निंग. और उसके बाद जैसे ही मेरी रीडिंग ख़त्म होती है, nowadays आई हैव टेकन अप वर्कआउट्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. ऐसा पहले नहीं करती थी मैं. पहले तो मैं पूरे दिन में कभी भी वर्कआउट करती थी, बट ऐसा होता है ना कि जब पूरे दिन में कभी भी करना होता है तो यू नेवर फील एनी टाइम एज अ परफेक्ट टाइम. ऐसा लगता है कि अभी नहीं, शाम को कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे एंड ऑल सच स्टफ. तो कभी कभी इस चक्कर में मैं भूल भी जाती थी ये सारी चीज़ें. यू नो याद रखनी पड़ती, याद रहती नहीं है. रीडिंग का भी ऐसे ही होता था कि मैं भूल जाती थी, शाम को रात को होती थी कभी कभी रीडिंग. सो नाउ आई हैव प्रायोरिटाइज इट एज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ 30 डेज एप्लीकेशन. ये 30 डेज चैलेंज वाला एप्लीकेशन है. सो मेनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ अपने अपडेट्स, डेली अपडेट्स. मैं इस तरह से फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके डालती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई एम वर्किंग आउट टुडे. इट डजेंट टेक मच टाइम, 7 से 12 मिनट लगती है. तो उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ एंड दैट इज़ वाई फाइंड इट मोर ईजियर. सो आजकल मैं उसमें से एप्स वर्कआउट कर रही हूँ. वैसे तो मैं ये एप्लीकेशन काफ़ी टाइम से यूज़ करती थी और मैं फुल बॉडी वर्कआउट्स करती थी, बट आई जस्ट रियलाइज दैट आई डोंट नीड फुल बॉडी वर्कआउट्स. आई विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एप्स वर्कआउट क्योंकि ये जो मेरा जेली बेली है वो आई थिंक ये वर्कआउट करने से ही जाएगा. आई एम सो ग्लैड क्योंकि जो हम नए बिल्डिंग में जाने वाले, हमने जितने भी फ्लैट्स देखे सब में जिम है. सो आई विल बी डूइंग दोज थिंग्स ऑल्सो क्योंकि वेट ट्रेनिंग से फटाफट उतरता है. बट येस, फॉर नाउ घर पे करने के लिए ये वर्कआउट्स आर दी बेस्ट.
और जब मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ तो आई फील सो एनर्जाइज्ड और बहुत ही एनर्जी मिलती है मुझे और फ्रेश फील होता है. और मेन थिंग इज़ कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपना एक पर्सनल डेवलपमेंट भी रखती हूँ, तो मेरे वर्क से रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह जो होती है वो मैं इस टाइम पे करती हूँ. सो बाई द टाइम एट 6:30 अब यश का भी उठने का टाइम हो गया है. सो आई विल वेक हिम अप एंड आई विल ग्रैब अ क्विक स्नैक बाय दिस टाइम. तो मैं स्नैक में खाने वाली हूँ सुखड़ी, क्योंकि सुबह सुबह 4:30 बजे खाना मुझे पसंद नहीं है और ब्रेकफास्ट को अभी भी टाइम लगेगा क्योंकि मैं ही बनाने वाली हूँ. सो इस बीच मैं फटाफट थोड़ा सा स्नैक खाऊंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच. सो अराउंड 7 PM हीट भी उठ ही जाता है और जैसे ही वो उठता है तो अब मुझे पता है कि जितना मैंने घर को क्लीन रखा है वो सब अब बिगड़ जाने वाला है. सो यस इट्स 7:15 नाउ. उसको उठ के एनीवे 15 मिनट हो गए हैं और आजकल मैं उसको पानी पिलाने की हैबिट डाल रही हूँ. पहले पानी पिए फिर मैं उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देती हूँ. तो फिलहाल के लिए मैंने बनाया है ओट्स उसके लिए, बिकॉज ही विल बी ईटिंग इन सम टाइम नाउ. और हमारे लिए कैबेज पराठे तो है ही, तो ब्रेकफास्ट में वो हो जाएगा. और लंच में मैं बनाने वाली हूँ राजमा और चावल, बिकॉज आई वॉन्टेड दिस मॉर्निंग टू बी अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड वन. सो बाई द टाइम मैं किचन में कुकिंग करती हूँ हीट प्लेज इन बालकनी. बहुत ठंड होती है लेकिन ही स्टिल प्रेफर्स गोइंग आउट. और कल रात को एक्चुअली मैं कचरा फेंकना भूल गई थी, तो वो मैं अभी फेंकने वाली हूँ बाहर जाके कचरा. जैसे ही मैं कुकिंग करती हूँ इन बिटवीन मुझे मल्टीटास्किंग करना भी पसंद है, क्योंकि जैसे 1-1.5 घंटा तो लगता ही है ब्रेकफास्ट बनाने में, लंच बनाने में, तो तब मैं ये वाला काम पकड़ लेती हूँ अगर कपड़े फोल्ड करना है तो. क्योंकि ये एक ऐसा काम है ना कि इसमें बहुत हाई मोटिवेशन चाहिए स्टार्ट करने के लिए. सो मैं अब ऐसे प्रेफर करती हूँ कि जब मैं कपड़े निकालती हूँ उसी वक्त मैं उसको फोल्ड करके रख देती हूँ. तो जब कुकिंग करती हूँ तो मल्टीटास्किंग में स्पीड में हो जाता है और ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए सेपरेटली हमने टाइम निकाला और हम कर रहे हैं. सो इस वक्त मेरे घर पे कर्टन्स ओपन होते हैं क्योंकि बाहर डार्क होता है, तो बहुत जल्दी ओपन करके मतलब नहीं है. तो मैं दोनों भी कर्टन्स को निकाल के मतलब एकदम से खोल देती हूँ, भले शो नहीं रहता लेकिन लाइट आती है और सुबह सुबह मुझे लाइट चाहिए. सो बाई दिस टाइम दिया वेक्स अप और अब उसके साथ थोड़ा कडल करने का वक्त आया.
सो हाउ मच एवर वी आर बिजी, लेकिन 2-3 मिनट या 5-6 मिनट तो बच्चों के लिए निकालनी ही पड़ती है हमारे बिजी स्केड्यूल से। जैसे अब दिया उठी है तो जैसे ही उठते हैं तो बच्चों को चिपकना होता है, तो दिया को भी चिपकना उतना ही पसंद है। सो शी ऑल्सो कम्स एंड शी कडल्स विद मी, सो दिस टेक्स अराउंड 5-6 मिनट्स इन द मॉर्निंग। सो एज यू कैन सी, सुबह 7 से लेकर 7:30 वाला जो टाइम है वो इतना सारा मल्टीटास्किंग वाला टाइम होता है। आई लिटरली हैव नो टाइम फॉर देम टू यू नो ब्रश देयर टीथ। तो ये लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ किचन में तब, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों भी प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे ये लोगों के लिए मैंने ओट्स बना दिया था और खुद से खा रहे हैं। सो मेरी ट्रेनिंग बाय फार काफ़ी अच्छी जा रही है और काफ़ी सारी चीज़ों पर अब ये लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। सो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे मुझे ट्रेनिंग करने में टाइम जाता है, लेकिन जब ट्रेन हो जाते हैं और खुद से करते हैं तो मेरा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है यहाँ पे। सो अब मुझे इनको पकड़ के इनको खिलाने के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद से खा लेते हैं और मैं अपना बाकी का जो काम है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ थोड़े थोड़े मल्टीटास्किंग वे से, सो वो सारी चीज़ें मैं अब यहाँ पे कर सकती हूँ एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। और फिर जब मुझे लगता है कि जब मेरा टिफ़िन पैक हो गया है, यश का लंच बॉक्स रेडी है एंड ही इज़ जस्ट गोइंग आउट, मतलब वो ऑफिस जा रहा है, तो तब मैं जब मेरा पूरा ब्रेकफास्ट और लंच बन के रेडी हो जाता है तो मैं इनको ब्रश करवाती हूँ, और तब तक या हीथ का भी जो है वो दम रेडी हो जाता है और यू नो घर की स्टेट आपको दिख ही रही है, बट आई डोंट वरी अबाउट इट मच एट द प्रेजेंट। सो सी दिस इज़ द ब्रेकफास्ट विच वी आर हैविंग राइट नाउ, और इसी टाइम पे मैं यश के साथ बातें करती हूँ और थोड़ा ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ रिलैक्सिंग मोमेंट फॉर मी। जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मेरी जो ब्रेकफास्ट और लंच बनाने की थकान होती है वो भी चली जाती है एंड अगेन आई गेट चार्ज्ड अप। और वॉकिंग करने से पहले मैं एक क्विक क्लीनिंग करना पसंद करती हूँ घर की, ताकि आई कैन गो फॉर अ वॉक इमीजिएटली और मुझे बिल्कुल भी सुस्ती ना चढ़े। सो इमीजिएट बेसिस पे एक क्विक क्लीनिंग और फिर वॉक। वॉकिंग एज आई सेड, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी फीट इंजर्ड हो गई थी पहले, सो अब मैं रनिंग नहीं करती हूँ, अब मैं वॉकिंग पसंद करती हूँ। और इस टाइम पे मैं आना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि हीथ और दिया खेल भी लेते हैं और मेरी वॉक भी हो जाती है। यहाँ पे भी ये लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं अब, और इन लोगों को मेरी स्ट्रिक्ट सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों पर ये लोग खुद से खेल सकते हैं। सो ये जो मेरा टाइम है यहाँ पे जब ये लोग खेल रहे हैं तो मैं अपनी वॉक पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ और अलग से मुझे वॉकिंग के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो जैसे ही वॉक से आ जाते हैं, एक घंटा हम वॉक करते हैं और ये लोग खेलते हैं, उसके बाद मैं दोनों को नहलाती हूँ। सो बाय फार मेरी मॉर्निंग बहुत टाइट है और बहुत ही सुपर डुपर बिजी है।
तो दोनों को नहलाती हूँ, दोनों के बालों में ऑयल डाल देती हूँ। तब तक तो मेरी बॉडी भी खुद स्टिंग करने लगती है क्योंकि अब तक मैंने नहाया नहीं है, मैंने वर्कआउट किया है, वॉक पे गई हूँ, इतना सारा काम किया है। तो एक बार इन लोगों से मैं निपट जाती हूँ और फिर मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। ये लोग खेल लेते हैं, अब जब मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे इन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो जैसे ही मेरा नहा के हो जाता है, मैं एक क्विक सेल्फ केयर कर लेती हूँ, कुछ नहीं ज़्यादा करती, सिर्फ बालों को कोम करती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, पीनट साइज़ का मैं लेती हूँ मॉइस्चराइज़र, उतना काफ़ी होता है मेरे फेस के लिए। वैसे ही हैंड्स में मैं लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र एंड आई एम डन, आई एम रेडी फॉर द डे। लास्ट में मैं लगा लेती हूँ एक लिप बाम। नहाने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली प्रेयर्स इन द मॉर्निंग। सो सारी चीजें बहुत लेट होती है बट यस, इसी हिसाब से मैं मैनेज कर पाती हूँ और उसके बाद मैं हीत और दिया को होम स्कूलिंग करवाती हूँ। हीतू, व्हाट आर द फाइव फ्रूट्स? एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स। बच्ची, व्हाट आर द नेम्स ऑफ फ्लावर्स? Rose, Sunflower, Marigold, Lily, Daisy. Pachu, tell me names of five flowers. Rose, Violet, Marigold, Lily, Daisy. The next work which I take up in the morning is laundry. तो जो भी कपड़े होते हैं, आजकल तो मेरे कपड़े डेली बेसिस पे हो गए धोने के लिए क्योंकि कभी इनके टॉवल्स हो जाते हैं, कभी इनके बेडशीट हो जाती है, कभी कोई एक्स्ट्रा कपड़े हो गए, तो डेली बेसिस पे अब मेरी हैबिट भी हो गई है कि रोज़ कपड़े धोने को डालना है। तो इस तरह से सुबह 11 बजे 11:30 बज जाते हैं ये सब करते करते। कभी हीत को ज़्यादा पढ़ने का मन होता है तो 12 भी बज जाते हैं इन बिटवीन स्नैक्स वगैरह सब करके। सो वंस दिस इज़ डन, उसके बाद हीत ने जो भी गंदगी की है पूरे रूम में वो सारे काम मैं हीत से करवाती हूँ। सो ये जैसे मैंने पहले भी कहा है, मेरा वे है हीत को स्क्रीन टाइम से थोड़ा दूर रखने के लिए। तो हीत की भी मॉर्निंग काफ़ी एंगेज्ड होती है और इस चीज़ पे भी मैंने इसको इंडिपेंडेंट बनाया है कि अब अगर वो कोई चीज़ गंदी कर रहा है वो ही साफ़ करे, तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम उसके टॉयज़ पिकअप करने में नहीं गुजारती हूँ। सो दिस इज़ वन थिंग। और जब पूरा क्लीन हो जाता है रूम तो एक क्विक झाड़ू लगा देती हूँ मैं रूम में, एज आई सेड कि रात की क्लीनिंग तो मेरी होती ही है। तो ये जो ब्रेकफास्ट और लंच के बाद की जो क्लीनिंग होती है वो है, तो वो यहाँ पे हो जाते हैं। दिस इज़ यूजुअली जो हमारा लंच होता है उसके बाद मैं एक वापस झाड़ू लगा देती हूँ और पूरे काउंटर को क्लीन कर लेती हूँ। सो दोपहर में इन लोगों को अगर मुझे सुलाना है तो उसके पहले ही मेरा जो घर है वो पूरा क्लीन हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, 4 बजे तक घर गंदा रहता था, लेकिन अब मैंने एक वापस हैबिट डाली है कि इमीडिएट बेसिस पे मैं घर को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे हीट हेल्प कर देता है बाहर की रूम क्लीन करने में इसके लिए। सो यस, किड्स आर नाउ ग्रोइंग अप और अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ईजी होने लगी है। सो ये बहुत फ़ायदा मिला है मुझे इन लोगों को ट्रेन करने पे। जब मैं ट्रेन करती हूँ तब मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये लोग शायद कभी सीखेंगे नहीं, लेकिन इवेंचुअली ये लोग सीख जाते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि ये लोग खुद से करते हैं तो अब मेरी मॉर्निंग्स जो है वो बहुत जल्दी वो फिनिश होती है और कपड़े भी जो धो के होते हैं वो भी सूख जाते हैं। सो एज आई सेड, लंच टाइम तक मेरे मॉर्निंग के सारे काम निपट जाते हैं और फिर मैं दोपहर में अपना YouTube का एडिटिंग का जो काम है वो पकड़ती हूँ।
अब आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा. इफ यू डिड लाइक माय मॉर्निंग रूटीन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो सेक्शन. एंड ऑल्सो प्लीज लेट मी नो कि आपको मेरा कोई और रूटीन भी देखना है. तो इसी के साथ आज का वीडियो यही तक. बाय, सी यू सून.